रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ ओरियो शेक, बच्चों का फेवरेट शेक। तो देखते हैं हमें इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने बिस्किट ले लिए हैं ओरियो के, 5 से 6 बिस्किट थे उनको निकाल लिया है। साथ में एक चॉकलेट रखी हुई है डेकोरेशन के लिए, 1 गिलास दूध और 4 टेबल स्पून चीनी। तो हम अगर आपने मेरा चैनल हंजलिया मलिक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अब हम इसके अंदर बिस्किट ऐड कर देंगे। और इनको पहले क्रश कर लेंगे। अब हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। साथ ही ये चीनी भी ऐड कर देंगे और इसको दोबारा हमने इसको मेल्ट कर लिया दूध के अंदर। अब हम इसके अंदर वनीला आइसक्रीम डालेंगे, इससे एक टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास वनीला आइसक्रीम नहीं मिल रही तो आप किंग गुल्फा आइसक्रीम भी लेके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको दोबारा ब्लेंड कर लेंगे। ये सिलिकॉन आइस क्यूब होते हैं ऑर्गेनिक, तो इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। आप कोई भी शरबत बनाएं या आप शेक बनाएं तो ये कलरफुल बहुत प्यारे भी लगते हैं और बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इसे यूज़ कर लेते हैं तो दोबारा वॉश करके हम इसे फ्रीज़र में रख सकते हैं। अब हम ये ऐड कर देंगे इसके अंदर, देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। तो तैयार हो गया है हमारा ओरियो मिल्क शेक, बहुत ही टेस्टी यमी, बच्चों का भी फेवरेट, बड़ों का भी। तो मैंने इसे दोबारा थोड़ी सी और आइसक्रीम डाल के इसे डेकोरेट कर लिया, साथ में ऊपर चॉकलेट का एक पीस रख दिया है। आप भी इसी तरह मुख्तलिफ तरीके से डेकोरेट करके दे सकते हैं। ईद के लिए स्पेशल वो है, आप ईद पे बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं, किस कोई गेस्ट आ रहे हैं तब भी बनाएं, फैमिली है, गेट टुगेदर है, किसी भी चीज़ में आप इसे बनाएं, बहुत ही यमी लगते हैं। और इसी तरह थोड़ा बहुत डेकोरेट कर ले तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा फील होता है और अगले को भी बहुत अच्छा लगता है, बच्चे भी शौक से पी लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।